नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन हिंदी में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 11। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अलावा मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ, वहाँ पर भी मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं। तो अगर आपको सभी वीडियोस देखनी है तो उसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके अर्पित शुक्ला सर्च करके आप वहाँ मुझे फॉलो कर लीजिए और हमारे द्वारा बनाए गए कोर्स को इनरोल कर लीजिए। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको एक भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी कर आप कोर्स को देख सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, BIS का तात्पर्य है, ठीक है, तो BIS का क्या तात्पर्य है? तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टेटस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, बीच ऑफ इंडियन स्टेटस और बैंक ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो देखिए BIS का फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युतीय उपकरण यानी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में किस वर्ग की आग लगती है, किस क्लास ऑफ फायर की आग लगती है? तो देखिए जो हमारा आग है यानी अगर हमारा किसी चीज़ में आग लगता है तो उसको हम कई श्रेणी में डिवाइड किया गया है, उसी में से पूछा गया है। अगर आप विद्युतीय उपकरण अगर किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में आग लगती है तो उसको किस श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। तो देखिए इसमें कई श्रेणी होती हैं, बेसिकली जो चार श्रेणी होती है, श्रेणी ए, श्रेणी बी और श्रेणी सी और श्रेणी डी। जैसे लकड़ी, कागज, जूट आदि में अगर आग लगती है तो उसको श्रेणी ए में रखा जाता है, सीरीज ए में रखा जाता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए ज्वलनशील पदार्थ, द्रवों और ठोसों जैसे मिट्टी का तेल हुआ, डीजल हुआ, पेट्रोल, इन सब में अगर आग लगता है तो उसको हम वर्ग बी में रखते हैं या श्रेणी बी में रखते हैं। और अगर सिलेंडर आदि में भरी जो गैस है, एलपीजी है, उससे अगर आग लगती है तो उसको हम श्रेणी सी में रखते हैं या वर्ग सी में रखते हैं। और बिजली के तारों और उपकरणों और अन्य धात्विक पदार्थों से अगर आग लगती है तो उसको हम श्रेणी डी में रखते हैं या वर्ग डी में लगते हैं। तो हमारा उत्तर क्या होगा इसका, डी वाला होगा, वर्ग डी आग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, IE नियम किसके लिए होता है? IE मतलब इंडियन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये किसके लिए होता है? तो ये सुरक्षा और अच्छा पावर जनरेशन दोनों के लिए होता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, सी वाला होगा, सुरक्षा और अच्छा पावर जनरेशन के लिए IE रूल है, मतलब इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर वोल्ट मीटर एसी लाइन से जोड़ा जाए तब कौन सा कनेक्शन सार्थक होगा, ठीक है। तो देखिए जब हम वोल्टमीटर को जोड़ते हैं तो वोल्टमीटर को जो है हमेशा जो है पैरेलल में जोड़ा जाता है, और हमारा जो एमीटर है उसको हम सीरीज में जोड़ते हैं। तो आपको दो ही बात याद रखना है, जब अमीटर जिससे कि हम करंट को मेज़र करते हैं उसको सीरीज में लगाते हैं, और वोल्टमीटर को हम पैरेलल में लगाते हैं और वोल्टमीटर से वोल्टेज को मेज़र किया जाता है। और बात की जाए आइडियल अमीटर, तो आइडियल अमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है और आइडियल वोल्टमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परावैद्युत यानी डाई इलेक्ट्रिक क्या है? तो डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, बेसिकली ये इंसुलेटर है, ठीक है, विद्युतरोधी पदार्थ है। जो हमारा कैपेसिटर होता है वो दो कंडक्टिंग प्लेट से मिलकर बना होता है और उसके बीच में क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक। ये डाई इलेक्ट्रिक जिस मटेरियल से बना होता है उसी के अनुसार जो है हम कैपेसिटर को बनाते हैं। मान लीजिए अगर कोई डाई इलेक्ट्रिक नहीं है, मतलब उसका क्या है कि डाई इलेक्ट्रिक क्या है, हमारा एयर है तो मतलब एयर कैपेसिटर। अगर डाई इलेक्ट्रिक जो है पेपर है तो मतलब पेपर कैपेसिटर, और अगर माइका है तो मतलब माइका कैपेसिटर, और अगर सिरेमिक है तो सिरेमिक कैपेसिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की सही इकाई चुनें, यानी हमारा विद्युत विभव का क्या मात्रक है? तो विभव का मात्रक यानी पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, ये सीधे सीधे वोल्ट होता है। तो देखिए चाहे विभव की बात करें या विभवांतर की बात करें, विभवांतर का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस,
पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज भी बोल सकते हैं। बस देखिए विभव और विभवांतर में एक ही अंतर है। तो देखिए विभव जो होता है वो किसी एक पॉइंट का होता है, और विभवांतर जो होता है वो दो पॉइंट का अंतर होता है। ठीक है, दो पॉइंट के विभव का अंतर होता है, इसी वजह से उसको हम विभवांतर बोलते हैं। ठीक है, और दोनों का मात्रक जो है, यूनिट जो है, सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुष्क परिस्थितियों में मानव शरीर का प्रतिरोध क्या होगा? ठीक है, यानी ड्राई कंडीशन है तो मानव शरीर का प्रतिरोध क्या होगा, ये हम बताए हुए हैं, 1000 ओम के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बैटरी को 20 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, यदि 0.75 एम्पियर करंट पैदा किया जाता हो तो बैटरी का विद्युत वाहक बल क्या होगा? तो सीधे सीधे ओम्स लॉ लगाना है, V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से I जो है ये दिया है 0.75, यानी हम 3/4 इसको लिख सकते हैं, इंटू 20 करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, बी वाला मिलेगा 15 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किरचॉफ का कौन सा नियम नोड या जंक्शन विश्लेषण के लिए लागू होता है? तो आपको पता होगा किरचॉफ ने दो नियम दिए थे, एक को बोलते हैं KCL और एक को बोलते हैं KVL, किरचॉफ करंट रूल और किरचॉफ वोल्टेज रूल। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, किरचॉफ जो KCL होता है वो नोड पर लगाया जाता है। ठीक है, तो इसको हम, और अगर हम इसको सरल करते हैं तो उसके लिए एक रूल डिफाइन किया गया है जिसकी सहायता से हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, उसको बोलते हैं नोडल एनालिसिस। ठीक है, नोडल एनालिसिस, और ये नोडल एनालिसिस जो है ये किसके लिए डिफाइन किया जाता है, KCL। ठीक है, और KVL जो है मेस में लगाते हैं, और इससे जो है इसका ब्रॉड रूप जो है इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उससे हम एक मेथड डिजाइन करते हैं जिसका नाम है मेस एनालिसिस। तो हमारा KCL नोड एनालिसिस के बारे में पूछा है, तो नोड एनालिसिस जो है ये किससे रिलेटेड है, वो है KCL से, और आपसे पूछा जाए मेस एनालिसिस तो KVL से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चालक यानी कंडक्टर का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? ठीक है, तो देखिए सामग्री की प्रकृति यानी नेचर, किस मटेरियल से हमारा बना हुआ है, यानी बेसिकली वो कहना क्या चाहता है, रो की बात करना चाहता है, यानी प्रतिरोधकता, जो अलग अलग पदार्थ से बनता है उसका प्रतिरोधकता जो है अलग अलग होता है। ठीक है, और लंबाई पर डिपेंड करता ही है, क्योंकि इसके फार्मूले में लंबाई भी आती है और रो भी आता है, रो L/A, और ये तापमान पर भी निर्भर करता है, टेम्परेचर पर। अगर मान लीजिए कोई कंडक्टर है तो अगर उसका हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यानी वो तापमान पर भी निर्भर करता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, सी उत्तर होगा, विद्युत वाहक बल यानी EMF पर जो है वो प्रतिरोध हमारा निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 वोल्ट से 3.6 मिली एम्पियर धारा को सीमित करने के लिए कितनी प्रतिरोध की आवश्यकता होती है? तो देखिए सीधे सीधे ओम्स लॉ लगाना है यहाँ पर। ओम्स लॉ क्या लगाएंगे, अगर हमको निकालना, वी इज इक्वल टू आई आर होता है, आर निकालना है तो वी बाई आई होगा। अगर हम इसको करेंगे तो वी क्या दिया है, 12 दिया है, अपान आई जो दिया है 3.6 और 10^-3, और देखिए इस -3 को हम बदल नहीं देंगे, ऊपर ले जाके गुणा नहीं कर देंगे, यानी हम ऊपर 12000 नहीं कर देंगे, क्योंकि देखिए सभी उत्तर जो है किलो में दिया है, यानी किलो ओम में दिया है, इस वजह से 10^-3 को हम छेड़ेंगे नहीं, सीधे बस डायरेक्ट ऊपर ले जाएंगे और उसको जो है किलो में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारा अगर इसको फिर यानी 12 को हम अगर 3.6 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, 3.33 आएगा। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ए वाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो कॉमर्शियल यूनिट क्या है, यही पूछा है। तो देखिए ये इसको कॉमर्शियल यूनिट बोलते हैं, या केवल आम भाषा में इसको यूनिट भी बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं BOT बोलते हैं, यानी बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ये सभी बातें क्या है, KWH, किलो वाट आवर। ठीक है, वाणिज्यिक इकाई क्या है, किलो वाट आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
4 पीको फैराड के दो संधारित्र कैपेसिटर श्रेणी में जोड़े गए हैं तो कुल धारिता यानी टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा। तो देखिए श्रेणी में जुड़े हैं यानी उल्टा उल्टा करके जुड़ेंगे, चूंकि दोनों का मान बराबर है तो 4 और 2 रजिस्टर हैं, 2 से भाग दे देंगे यानी 2 पीको फैराड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फैन रेगुलेटर में किस प्रतिरोधक का उपयोग होता है? कार्बन, यूरेका, नाइक्रोम, टंगस्टन। ठीक है, तो देखिए जो फैन रेगुलेटर होता है जिससे हम फैन को जो है उसको जैसे मान लीजिए 1 पे करते हैं, 2 पे, 3 पे, 4 पे, ठीक है, वो पॉइंट जो होता है उसमें जो रेजिस्टर यूज किया जाता है वो बना होता है यूरेका का। ठीक है, उसका रेगुलेटर में प्रतिरोधक किसका बना होता है? यूरेका का बना होता है। ठीक है, और टंगस्टन के बारे में आप सभी लोगों को पता ही होगा। ठीक है, टंगस्टन जो ये बल्ब का जो हीटिंग एलिमेंट है उसके रूप में यूज करते हैं, और नाइक्रोम का जो है प्रेस वगैरह में यूज करते हैं। ठीक है, और कार्बन जो है हमारा सेमीकंडक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत प्रवाह की वह मात्रा कितनी है जो दर्दनाक बिजली के झटके दे सकती है? तो देखिए ये आपको याद करना पड़ेगा, डेटाबेस क्वेश्चन है, और ये है जो 50 मिली एम्पियर। विद्युत प्रवाह की वह मात्रा कितनी है जो दर्दनाक बिजली के झटके दे सकती है? 50 मिली एम्पियर। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका कोई सवाल और सुझाव हो तो नीचे कमेंट कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।